Hey guys, it's Kritleen. Welcome back to Siddhu Vlog. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ कोहिस्तानी की वीडियो पे, मदीना की रियासत. बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते हैं इनका चैनल, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. क्रिस्प तरीके से पूरी स्टोरी बता देते हैं एंड जो रियलिटी है, स्टोरी नहीं मैं कहूँगी इस चीज़ को, जो रियलिटी है जो पास्ट में हुआ है वो बिल्कुल सपाट तरीके से वो समझा देते हैं. काफ़ी क्रिस्प रहती हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ भी आ पाए और लैंग्वेज ऐसी रहती है जो सबको समझ आए, विच आई रियली एडमायर. काफ़ी अच्छी वीडियोज़ होती हैं उनकी. डू चेकआउट देयर चैनल. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग ऐसी अच्छी रिएक्शन वीडियोज़ देख सको. अभी सब्सक्राइब कर लो. एंड ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप यहाँ पर भी फॉलो करना. ब्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. लेट्स गो. मदीना हिजरत करने के बाद जंगे तो साल में कुछ ही दिनों के लिए होती थी, जैसे बदर, ओहद, खंदक. तो बाकी सारा साल मदीना के मुसलमान क्या किया करते थे? बिजनेस. हिजरत से पहले मदीना तीन हिस्सों में डिवाइडेड था, औस, खजरज और यहूदी. औस और खजरज दोनों अरबी कबीले थे, लेकिन इनकी आपस में बहुत सालों से सख्त लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से इनकी जिंदगियां तो तबाह हो ही गई थी, लेकिन इनके बिजनेसेस, इकोनॉमी भी तबाह हो गई थी. मदीना और मक्का की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क था. मक्का पूरे अरब में, काबा और अपनी लोकेशन की वजह से, मतलब अरब के सेंटर में होने की वजह से, अरब के सबसे रिचेस्ट शहरों में से एक. लेकिन मदीना ज्यादातर ज़रात, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, जिसकी वजह से मक्का के मुकाबले में मदीना की इकोनॉमी बहुत छोटी थी. लेकिन इस छोटी सी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा मसला ये था कि अगर औस कबीला मदीना में बाजार बनाता तो खजरज वहां से कोई चीज नहीं खरीदते थे, और अगर खजरज कबीला बाजार बनाता तो औस. यहूदियों ने इनकी ये लड़ाई देखकर इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया और मदीना का मेन बाजार अपने इलाके में बनाया, ताकि मदीना के सारे लोग इसी बाजार से सामान खरीदें, जिसकी वजह से मदीना की सारी इकोनॉमी यहूदियों के इसी बाजार से चलती थी. और मदीना की इकोनॉमी का सारा कंट्रोल सिर्फ यहूदियों के पास, और वो हमेशा कोई ना कोई साजिश जरूर करते रहते हैं कि अरबियों की आपस में ये जो लड़ाइयां चल रही है ये कभी खत्म ना हो, क्योंकि यहूदियों को पता था कि अगर औस और खजरज की आपस में ये लड़ाई खत्म हो गई तो यहूदियों की इकोनॉमी भी टूट जाएगी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो उनके साथ सिर्फ मक्का के गरीब सहाबी नहीं, बल्कि कुछ बहुत अमीर बिजनेसमैन भी साथ आए, जिनमें से टॉप ऑफ द लाइन वर अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो मक्का के सबसे रिच लोगों में से एक थे और जिन्होंने अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना हिजरत फरमाई. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग मदीना हिजरत करके आए उनके पास रहने की जगह थी और ना कोई बिजनेस, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से आए हुए मुहाजिरीन को मदीना के अंसार के घरों में सेटल किया. अब्दुर्रहमान बिन औफ जो मक्का के सबसे रिच लोगों में से थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सबसे रिच लोगों में से एक साद बिन रबी के साथ सेटल किया. साद बिन रबी के पास जो कुछ भी था उसका आधा उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को देने की ऑफर की, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उन्हें कहा कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता दिखाएं. तो वो अब्दुर्रहमान बिन औफ को मदीना के बाजार, यहूदियों के बाजार लेकर आया. वहां उन्होंने देखा कि मदीना की सारी इकोनॉमी का कंट्रोल यहूदियों के पास है और इस सारी मोनोपोली को एक यहूदी अबू राफे कंट्रोल करता है, जो इस पूरी मार्केट की प्राइसेस सेट करता है, जिससे सिर्फ यहूदियों को फायदा होता है और अरबियों के कारोबार को सिर्फ नुकसान होता है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर देखा कि यहूदियों ने मदीना की इकोनॉमी को तीन तरह से कंट्रोल कर रखा है. मार्केट, मतलब मदीना की वाहिद मार्केट यहूदियों के कंट्रोल में थी, जो आज तक पूरी दुनिया की मार्केट इन्हीं की कंट्रोल में है. सूद, अगर इकोनॉमी यहूदियों के कंट्रोल में थी तो मदीना के अरब क्यों इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाते थे? क्योंकि यहूदियों ने अरब लीडर्स को सूद पर बहुत ज्यादा कर्जा दे रखा, जिसकी वजह से अरब लीडर्स इन कर्जों में फंसकर हमेशा यहूदियों के गुलाम रहते थे, जो आज भी सूद की वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया इनकी गुलाम है. एंटरटेनमेंट, यहूदियों ने अरबियों को नाच गाने और गेम्स में फंसाया हुआ था ताकि उनको कभी इन चीजों का एहसास ना हो, जो आज भी पूरी दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन्हीं की कंट्रोल में है. It's a lot of juice, like a lot. और मदीना की सारी अल्कोहल, शराब की इंडस्ट्री भी इन्हीं यहूदियों के कंट्रोल में थी, जिससे यहूदी बहुत पैसा कमाते थे. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के फौरन बाद इस सिस्टम को 180 डिग्रीज बदलना शुरू किया. हिजरत के बाद जब मोस्ट ऑफ मदीना मुसलमान हो गया तो यहूदियों ने मुसलमानों को भी सूद के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कुरान में अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता सूद पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद मदीना के सारे मुसलमानों ने
यहूदियों से सूद लेना बंद कर दिया, जिसके बाद पहली दफा मदीना के लोग यहूदियों के कर्जों और गुलामी से निकलकर आजाद हो गए, जिससे यहूदियों की ताकत का एक बहुत बड़ा सेक्टर टूट गया। इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना के मुसलमानों ने अपने पुराने जहालत की रिवायात सारी खत्म कर दी और कुरान ने भी आहिस्ता आहिस्ता शराब पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद यहूदियों के सारे बेहयाई के अड्डे और मेखाने बंद हो गए। जबरदस्ती नहीं, बस क्योंकि वहाँ कोई मुसलमान जाता ही नहीं था, जिससे यहूदियों का एक और बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो ऑप्शंस थे, या तो यहूदियों के बाजार और प्रोडक्ट्स का फुल फ्लेज बायकॉट कर दिया जाए, और या मदीना में एक ऐसा नया बाजार बनाया जाए जो मेरिट की बेसिस पर यहूदियों के बाजार की ताकत को खत्म कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायकॉट नहीं किया, बल्कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब एक नया बाजार बनाया, और जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कंट्रोल करने लगे, और इस बाजार को बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बनाया गया, जिसमें दुकानों के दरमियान दो ऊंट या आज के जमाने में दो गाड़ियों के गुजरने की जगह थी, जबकि यहूदियों का बाजार बहुत कंजेस्टेड और हर टाइम रश से भरा हुआ होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाजार में एक प्रॉपर पुलिस सिस्टम भी बनाया, ताकि कोई किसी पर जुल्म ना कर सके, और सारी ट्रेड्स का एक रजिस्ट्री सिस्टम भी बनाया। अब मसला ये था कि यहूदियों ने मदीना के लोगों को बिजनेस से बहुत दूर कर दिया था, जिसकी वजह से मदीना के लोग बिजनेस करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों को बिजनेस माइंडेड और बिजनेस की तरफ मोटिवेट करने के लिए फरमाया कि जो शख्स भी हमारे इस बाजार में बिजनेस करेगा वो ऐसा ही है कि कोई अल्लाह की राह में जिहाद करे। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस और जिहाद को एक बना दिया, जिसके बाद जिस तरह मुसलमान बदर, ओहद, खंदक में अपने से कई बड़ी फौज के साथ लड़ते थे, उसी तरह अब मुसलमान बिजनेस को भी जिहाद समझकर मेहनत करने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर माल वो है जो इंसान खुद कमाए, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान भी बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे। अब ऐसा ही एक बिजनेस है इस्लामिक हैबिटेट, जिसमें यू कैन फाइंड अमेजिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि ट्रेसिंग कुरान, जिससे आप कुरान समझने के साथ साथ अरबिक लैंग्वेज और अरबिक कैलीग्राफी दोनों सीख सकते, एंड ऑल्सो ये अमेजिंग दुआ कार्ड्स, जिनसे आप सारे इंपॉर्टेंट दुआओं को हमेशा याद रख सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेक देम आउट। यहूदी अपने बाजार में बाहर से आने वाले काफलों को हमेशा धोखा देकर कम पैसे दिया करते थे, लेकिन मुसलमानों के बाजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इंसानों को बिल्कुल इक्वल और बराबर राइट्स दी, जिससे सारे काफले यहूदियों के बजाय मुसलमानों के बाजार की तरफ आने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के बाजार की इकोनॉमी यहूदियों के बराबर होने लगी। यहूदियों के बाजार में अमीर लोग गरीबों पर बहुत जुल्म करते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर की तनख्वाह उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे दी जाए। जो मजदूर के लिए तो अच्छा था ही, लेकिन मजदूर ये पैसे लेके कहाँ जाएगा? वो इसी बाजार से कोई और चीज खरीदेगा, जिसकी वजह से मुसलमानों के बाजार में ट्रांजेक्शन बहुत तेजी से होने लगी, और लोगों के दरमियान कैश फ्लो इस बाजार में बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और आखिर मुसलमानों का ये बाजार यहूदियों से आगे निकलने लगा। और अब्दुर्रहमान बिन औफ यहूदियों के बाजार में अबू राफे की ताकत खत्म करके वहां के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बन गए, और इस तरह मदीना के मुसलमानों के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा आने लगा। लेकिन उन्होंने अपना पैसा यहूदियों की तरह जमा नहीं की, बल्कि अपने माल से बाकी गरीब मुसलमानों की मदद की, जैसे कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बिजनेस की ताकत से एक यहूदी से कुआं खरीद कर मदीना के मुसलमानों के लिए पानी बिल्कुल फ्री फराहम किए। लेकिन यहूदी ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि पहले उनका ख्याल था कि मुसलमान हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम इनको भी गुलाम बनाकर और ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसीलिए जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो यहूदियों ने मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट की कि वो मुसलमानों के खिलाफ कभी किसी का साथ नहीं देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने इनकी इकोनॉमी को क्रश कर दिया, तो उन्होंने कुछ ही साल बाद खंदक की जंग में मुसलमानों से किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ दिया और मुसलमानों के खिलाफ मक्का वालों का साथ दिया, जिसके बाद मुसलमानों ने इन्हें सजा भी दी। और इस तरह कुछ ही सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी लड़ाई और बगैर किसी जबरदस्ती के यहूदियों की इकोनॉमी मदीना में हमेशा के लिए खत्म कर दी, और मदीना की पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आया। और कुछ ही सालों बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों फतह करने के बाद दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर मुसलमान बने। दुनिया की सबसे पावरफुल सिटी मदीना, और कोर्स दुनिया का सबसे पावरफुल बाजार मदीना का यही बाजार बना, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मेहनत से बनाया था। और यहाँ इस बाजार में बिजनेस करने वाले दुनिया के सबसे अमीर लोग बने। मतलब उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोग मदीना में रहते थे। और फन फैक्ट, आज भी दुनिया के सबसे अमीर लोग बिल गेट्स और जेफ बेजोस अमरीका में एक छोटे से इलाके
मदीना में रहते हैं। हजरत उमर के दौर में जब मदीना का ये बाजार अपनी पीक पर था और जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो इस बाजार को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत मजबूत शख्स की जरूरत थी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस इतने मुश्किल काम के लिए एक औरत शिफा बिनते अब्दुल्ला को इस मार्केट का कंट्रोलर बनाया और बाद में इन्हें पूरे इराक का हेल्थ मिनिस्टर भी बनाया गया, विच मीन्स मुसलमानों की इस अजीम खिलाफत की एडमिनिस्ट्रेशन में औरतों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। आहिस्ता आहिस्ता मदीना के इस बाजार से लोग पूरी दुनिया में फैल गए और इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स पर बिजनेस करने लगे जो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे, जिससे दुनिया के बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर इस्लाम की तरफ आने लगे। जैसे कि आज दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया सिर्फ मुसलमान बिजनेसमैन से इंस्पायर होकर मुसलमान बना। आज भी यहूदियों ने पूरी दुनिया को उन्हीं तीन तरीकों से अपने कंट्रोल में कर रखा है और जिसे तोड़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नतों में से एक। इस्लामिक हैबिटेट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बड़ी क्रिस्प वीडियो थी, सब्सक्राइब। मैंने बोला भी आप लोगों को कि बहुत क्रिस्प तरीके से बताते हैं, एक मिनट के लिए इंटरेस्ट इधर से उधर नहीं होता, इतनी बढ़िया तरह से नरेशन करते हैं पूरा कि कैसे हुआ पास्ट में, कैसे मदीना की रियासत चली, कैसे इकोनॉमी बढ़ी, कैसे सूझबूझ से सब कुछ किया गया। ब्यूटीफुल वीडियो एंड बहुत मज़ा आया सुनने में, अच्छा लगा कि जान के पता लगता है कि यू नो कैसे लिकर पहले प्रोहिबिटेड नहीं थी, फिर कैसे प्रोहिबिट की गई इस्लाम में, एंड कैसे राइवलरी को यूज़ कर रहे थे यहूदी। तो अब अच्छा लगा मुझे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत मज़ा आया सुनने में। दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ, आई लव यू गाइस।